बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है 19 नवंबर को। जिन लोगों का जन्मदिन 19 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, करियर में थोड़ी समस्याओं के बाद बदलाव होगा, विवाह और संतान के मामले में थोड़ा विलंब होगा। इस साल विदेश जाने के भी प्रबल योग आपके बन रहे हैं। क्या करेंगे, पूरे साल भर सूर्य मंत्र का अगर आप जप करें, ओम आदित्याय नमः, अगर इस मंत्र का पूरे साल भर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाह रात में ही करना उचित होता है। देखिए, सामान्यतः रात में विवाह करना उचित नहीं होता। तारीख बदल जाती है, मुहूर्त बदल जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि 26 तारीख को शादी करना, शादी करते हैं 12 बजे के बाद, तारीख बदल जाती है। विवाह दिन में या ऊषा काल में, अर्ली मॉर्निंग, गोधूली वेला में या दिन के समय में सही मुहूर्त में विवाह करना उचित होता है। जब भी विवाह करें तारीखों का ध्यान रखें और उचित मुहूर्त में विवाह करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो गया हो तो इसका प्रभाव क्या है और क्या उपाय करना चाहिए। जब किसी बच्चे का जन्म गंडांत में या मूल नक्षत्र में होता है तो ऐसे बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में समस्या हो सकती है। इसलिए जन्म के 27 दिन के बाद उसी नक्षत्र के आने पर शांति करवा लेनी चाहिए या जल्द से जल्द इसकी शांति करवा लें। जन्म से लेके 8 वर्ष के अंदर इसकी शांति करवा लेना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी नौकरी में बार बार समस्याएं आती हैं या नौकरी में बार बार उतार चढ़ाव रहता है तो शनिवार को निर्धन व्यक्ति को सिक्कों का दान करिएगा, क्वाइंस का दान करिएगा। हर शनिवार को गरीबों में सिक्कों का दान करेंगे तो नौकरी के उतार चढ़ाव से बचे रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।